हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे तीसरे पड़ाव में स्वागत है। सो गाइस, ये वाला जो हमारा पड़ाव है ये आखिरी पड़ाव होने वाला है, क्योंकि इसी पड़ाव में हम लोग पहुंच जाने वाले हैं सोन प्रयाग की ओर। सो गाइस, ये तीसरे वाले पड़ाव में जो भी आएगा रास्ते में वो सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करते हुए हमको पहुंचना है सोन प्रयाग के ओर। अभी आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, और गज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और चलते हैं ये तीसरे वाले पड़ाव में। तो देखो गज, अभी तो हम लोग रुद्रप्रयाग पहुँचे भी नहीं, उससे पहले जो खराब रास्ता है उसकी शुरुआत हो चुकी है, मतलब जो रफ रोड है उसकी शुरुआत हो गई। अभी तो थोड़ी बहुत जगह पर अच्छा अच्छा रास्ता आएगा, बाकी तो यही रास्ते पर हमको चलना है सोनप्रयाग तक। और देखो यहाँ पे सामने की साइड जो ब्रिज बन रहा है वो शायद अगले साल शुरू हो जाएगा, तो देखते हैं अगले साल वापस आते हैं तो इसी ब्रिज के ऊपर से चलते हैं हम लोग, या फिर ये रफ वाले रास्ते पे ही चलने वाले हैं। तो गाइस एक बात और बता दूं कि जो लोग आ चुके हैं उसको तो मालूम ही है कि रास्ता यहाँ का कैसा है, पर जो लोग नहीं आए वो आना चाहते हैं उसको मैं बताना जा रहा हूँ कि बाबा केदार के धाम के रास्ते किस तरह से है और कैसा रास्ता है वहाँ का। देखो ये रास्ता, देखो यहाँ का, इसी रास्ते पे हमको जाना है अभी आगे। अभी फिलहाल यात्रा के लिए रास्ता थोड़ा अच्छा कर दिया है, वरना ये रास्ता बहुत ही खराब है यार, बहुत ही रिस्की है यहाँ पे ये रास्ता। तो गाइज अभी हम लोग बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग की ओर, जो वहां का संगम है वो देखेंगे। उसके बाद तो आगे से रास्ता अलग अलग होने वाला है, मतलब एक रास्ता बद्रीनाथ की ओर चला जाएगा और एक रास्ता केदारनाथ की ओर चला जाएगा। तो देखो गाइज, इन पहाड़ों के ऊपर भी रास्ता इतना अच्छा हमको मिल ही रहा है, मतलब कि समुद्र तल से 10-10, 12-12 हज़ार की फीट ऊंचाइयों पर इतना रास्ता अच्छा हम लोग को मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और गाइज इतनी ऊंचाइयों में भी हर 1-2 किलोमीटर पे होटल वगैरह आता ही रहता है, और जो हमें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है इतनी ऊंचाइयों पे भी जो हमको चाहिए वो सब कुछ। स्टॉल वगैरह तो बहुत सारे हैं इन रास्तों में, और जो गाड़ी लेके आते हैं, 2-व्हील 4-व्हील लेकर आते हैं, जहाँ कहीं से भी आते तो उनके लिए भी अच्छी सुविधा, मतलब रास्ते में हर कहीं पर 1-2 किलोमीटर पे गैराज वगैरह आता ही है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी का पंचर वगैरह हो जाए या ऑयल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया होगा वो सब कुछ मिल ही जाएगा इन रास्तों पे आपको। तो ऐसी छोटी मोटी हर एक चीज़ ये वस्तु आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे इन पहाड़ों पे मिल ही जाएगी, और हर 50 या 40 किलोमीटर के अंतर पर एक गाँव आता है जो आपको पेट्रोल वगैरह भरवाना हो आपकी गाड़ियों में तो भी वो भी ऑप्शन है यहाँ पे मिल ही जाएगा। और जो कोई भी ये बाबा केदार के दर्शन पर आता है उन सभी से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मतलब कि आप लोग यहाँ पे आओ तो आप अपने साथ जियो का और एयरटेल का, इन दोनों सिम के अलावा दूसरा कोई सिम मत लेके आना, क्योंकि इन दोनों के अलावा दूसरे कोई सिम में नेटवर्क नहीं आएगा। इन रास्तों में भी कहीं भी नेटवर्क नहीं आने वाला दूसरा कोई भी सिम कार्ड यूज़ करोगे तो, क्योंकि एयरटेल और जियो ही चलता है इन पहाड़ों में। देखो गाइस, यहाँ पे बन रहा है टनल, ये देखो, अभी तो नहीं पर अगले साल शायद शुरू हो जाएगा ये वाला टनल, देखो ये टनल। तो गाइस अभी आगे से दो रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, मतलब एक रास्ता केदारनाथ की ओर जाएगा और एक रास्ता बद्रीनाथ की ओर जाएगा। तो देखो गाइस, सामने से दो रास्ते हो रहे अलग। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में, ये सामने पूरा रुद्रप्रयाग सिटी दिख रहा है, और यहाँ से संगम है, एक मंदाकिनी और एक अलकनंदा का संगम है यहाँ पे, देखो। तो देखो गाइज, ये है मंदाकिनी और ये है ऊपर की साइड अलकनंदा, ये दोनों नदियों का संगम होता है यहाँ रुद्रप्रयाग में। देखो गाइज, जो मंदाकिनी रिवर है वो केदारनाथ के पीछे वाली पहाड़ियों में से आती है, और जो अलकनंदा है वो बद्रीनाथ के पहाड़ों में से आती है। तो देखो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रपुरी गांव में, रुद्रप्रयाग के बाद हम लोग पहुंच गए चंद्रपुरी गांव में।
देखो गाइस इन छोटे छोटे गांव के अंदर हमको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा, पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ है इस छोटे छोटे गांव के अंदर, और टूरिस्ट के ऊपर ही निर्भर होते हैं चाहे छोटे छोटे गांव। तो देखो गाइस ये चंद्रपुरी गांव में पहुंचने के बाद हमको पता चल रहा है कि ऊपर की साइड का जो वेदर है थोड़ा थोड़ा खराब होता जा रहा है, मतलब बारिश वाला मौसम होता जा रहा है ऊपर की साइड अभी। तो देखते हैं आगे क्या होता है अभी हमारे साथ। तो गाइज हम लोग पहले पड़ाव में गंगा किनारे पे चल रहे थे, दूसरे पड़ाव में अलकनंदा के किनारे पे, और तीसरे पड़ाव में हमारी ये मंदाकिनी है। इन तीनों नदियों के रास्ते पे हम लोग चल रहे थे। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं चंद्रपुरी गांव से दूर, और इन पहाड़ों का नज़ारा लेते लेते बहुत दूर आ गए, फिर यहाँ पे अभी 2 मिनट रुकेंगे। तो गाइज मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे घर पे फ़ोन कर दिया, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले तो घर पे फ़ोन नहीं किया था मैंने, तो फ़ोन कर दिया पहले तो सबसे पहले मैंने घर पर। और गाइज यहाँ से ठंड भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि बर्फ़ वाले पहाड़ है और सब कुछ हमारे सामने अभी, इसीलिए ठंड भी यहाँ पे बढ़ चुका है थोड़ा बहुत। तो गाइज इन पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से आगे, और अभी रुकना नहीं है, हमको जाना है सोनप्रयागी। सबसे पहले सोनप्रयागी पहुंच जाना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं अभी तो सोनप्रयाग। तो गाइज आप हमको एक बात ज़रूर बताना कि हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहना है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में लेकर, और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाला हूँ हमारे इस चैनल पे द वर्ल्ड ट्रैवलिंग राज। तो देखो गाइस ऐसे रास्तों पे आप लोग जब भी निकलो तो बड़ी सावधानी से निकलो, क्योंकि ऊपर की साइड से भूस्खलन हमेशा होता ही रहता है। तो यहाँ पे निकलो तो बड़ी सावधानी से निकलो अपनी कार या बाइक से, क्योंकि ऊपर की साइड से पत्थर वगैरह गिरता ही रहता है, तो आगे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए देख के चलो ऐसे रास्तों पे। और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की झड़प से आप लोग निकलोगे फिर भी आप 7 से 8 घंटे में ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंच ही जाएगा आपको। तो आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाले रास्तों पे, और बड़ा ही अच्छा रास्ता है अभी के लिए। तो क्या है ना गाइस, जो रुद्रप्रयाग है वहाँ तक का रास्ता बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही मस्त बन गया है रास्ता। पर रुद्रप्रयाग के बाद कहीं कहीं जगहों पर जैसे गुप्तकाश्य हो, फाटा हो, ऐसे गांव में जो रास्ता है वो बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, मतलब जंगल वाला रास्ता है, फिर कच्ची छड़के है, फिर ऊपर से पत्थर वगैरह गिरता रहता है, और जंगल बहुत ही बड़ा है, ऐसा रास्ता आता है। तो उन रास्तों पे आप लोग देख के चलना और बड़े आराम से चलना, तो फिर भी आप पहुँच ही जाओगे महादेव की कृपा से। बहुत थोड़ा बहुत टाइम लगेगा फिर भी पहुँच जाओगे आप आराम से। तो देखो गाइस इस रास्ते पे बहुत ही अच्छे अच्छे धार्मिक प्लेस आते हैं, मंदिर वगैरह, अगर आप वहाँ पे दर्शन करना चाहते हो तो वहाँ दर्शन करने भी जा सकते हो, बड़े आराम से दर्शन हो जाएंगे और वापस निकल जाना अपनी मंजिल पर। केदारनाथ में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने बोला जैसे कि केदारनाथ में आपका स्वागत, आगे एक बोर्ड लगा हुआ था
मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था केदारनाथ यात्रा 2023 में आप सभी का स्वागत है, ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे। तो गाइस ये 12,000 की फीट की ऊंचाई पर जो रास्ता है बना हुआ, वो आप लोग को कैसा लग रहा है एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताना। पैदल यात्रा कहाँ से आ रहे हो भाई? राजस्थान से। राजस्थान से हम लोग गुजरात से आ रहे हैं। हर हर महादेव। गाइस तो आप लोग को मालूम है इन पहाड़ों पे जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है गढ़वाली, और जो केदारनाथ है वो रुद्रप्रयाग जिले में आता है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में आता है और यहाँ पे हिंदी और गढ़वाली भाषा बोली जाती है। क्योंकि गाइस अभी हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं उन जगहों को गढ़वाल नाम से जाना जाता है, इन जगहों में गढ़वाल नाम लगता है, तो इसीलिए यहाँ की भाषा है गढ़वाली। तो देखो भाई यहाँ पे हम लोग गाड़ी का ये जो ब्रेक है वो थोड़ा वीक हो गया है, उसको टाइट करवा रहे हैं अभी ये भाई के पास। देखो तो गाइज आप लोग अभी देख सकते हो कि जो रास्ता है वो सिंगल पट्टी वाला आ चुका है, मतलब ये सिंगल पट्टी वाला ही रास्ता है। अभी दूसरा गाड़ी सामने से आ रहा है इसलिए हमको साइड में खड़ा रहना पड़ रहा है, तो अभी रास्ते में ऐसा ही दिक्कत आने वाला है। देखो अभी आगे तो, और यहाँ से बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो देखो गाइज यहाँ से अभी जो सोनपुरा की दूरी है बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमको बड़े आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी में फिर भी टाइम लगेगा, क्योंकि रास्ता है वो बड़ा ही खतरनाक आने वाला है। अभी तो ऐसा ही रास्ता आने वाला है पूरी जगह पे, तो बड़े आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि एक गाड़ी जाएगी और दूसरी गाड़ी आएगी तो एक गाड़ी को साइड में खड़ा रहना पड़ेगा, तो इसी दिक्कत से हमको गाड़ी भी बड़े आराम से चलानी पड़ेगी। ये देखो एक गाड़ी आ रही है तो वो टेम्पो साइड में खड़ा रहेगा अभी। देखो तो गाइस यहाँ से एक और रास्ता है जो बद्रीनाथ की ओर जाता है, ये देखो ये केदारनाथ की ओर जा रहा है और इसके बगल में ही दूसरा रास्ता है। देखो सामने की साइड दिख रहा, अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस अभी यहाँ ऊपर की तरफ बारिश हो रही है बहुत जोरों से, और यहाँ भी बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। देखो अभी फिलहाल तो अभी हम लोग निकल चुके हैं आगे, और आगे कुछ देखते हैं, कुछ रुकने का है तो रुक जाएंगे, उसके बाद बारिश बंद हो जाएगी तो वापस चलते बनेंगे। तो देखो गाइस ये सामने की साइड दूसरा रास्ता जा रहा है, देखो ऊपर यहाँ पे व्हाइट लाइन दिख रही है, वो रास्ता है जो बद्रीनाथ की ओर जाता है, और पूरा रास्ता जंगलों से भरा पड़ा है और बहुत ही खतरनाक जंगल वहाँ पे। देखो गाइस यहाँ का मौसम पूरी तरह से अभी खराब है आगे का, देखो और पूरी तरह से बिगड़ रहा है मौसम, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। निकल तो जाना है हमको, काशी तक तो पहुँच ही जाना है, उसके बाद देखेंगे। तो गाइस देखो सामने की साइड तो अभी धूप है और यहाँ पे बारिश हो रही है, देखो तो देखो गाइस यहाँ पे अभी बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है और हम लोग पूरी तरह से भीग गए और सामान भी भीग गए, तो शूटिंग करने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि ठंड भी लग रहा है एक तरफ से और बारिश में भीग भी गए हम लोग, तो शूटिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रास्ता, ऊपर से देखो बारिश हो रही है और रास्ता बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही कठिन रास्ता ये वाला रास्ता है ना। अभी थोड़ा बहुत ही टाइम है हमें पहुंचने में, ज़्यादा दूर भी नहीं हम लोग, फिर भी ये रास्ता अभी जो आया है वो बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि हम लोग अभी शायद मेरे ख्याल से 10,000 से 11,000 की फीट ऊंचाई पर हो गए हम लोग, इतनी ऊंचाई पर आ गए हम लोग। तो देखो गाइस यहाँ पर अभी जो है बारिश रुक गई है, मतलब हम लोग यहाँ पर आगे निकल गए तो बारिश रुक गई है, तो मैं सही से शूटिंग भी कर रहा हूँ और आपको रास्ता भी दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग हैं जो गुप्त काशी है वहाँ से निकल चुके हैं दूर, और अभी हम लोग आने वाला है फाटा, और फाटा के बाद आ जाएगा सीतापुर, और उसके बाद आ जाएगा सोनपुरिया हमारा। तो फिलहाल अभी चलते हैं महादेव का नाम लेके आगे और देखते हैं रास्ते में क्या हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत दूर नहीं है फिर भी रास्ता तो बड़ा खतरनाक है अभी। तो देखो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फाटा में, यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा होटल और रेस्टोरेंट, अगर
अगर सोनप्रयाग और गौरीपुर में होटल कम हो जाएगी तो लोग यहाँ पे आके भी रहते और दूसरे दिन यहाँ से यात्रा शुरू कर दी अपनी केदारनाथ के लिए। ये पूरा जंगल वाला इलाका देखो, अभी हम लोग बहुत ऊपर आ गए। तो गाइस आपको फाटा के अंदर 500 रुपया से लेकर 5000 रुपये तक का होटल मिल जाएगा पर नाइट का। यहाँ 500 रुपया से लेकर 5000 रुपये तक का होटल है पर नाइट का यहाँ फाटा में। और सोनप्रयाग में तो अभी बहुत ही रेट चल रहा है मैंने सुना है, जो ऋषिकेश में था हम लोग तो वहाँ से मैंने सुना था। गाइस तो ये रास्ता देखो, भयानक रास्ता है पूरा, और पूरी तरह से यहाँ पे बारिश भी हो रही है और तूफान जैसा भी है बहुत यहाँ पे, ये देखो। फिर भी हम महादेव की दया से अभी पहुँचने वाले हैं, बहुत दूर नहीं है, मतलब 10 किलोमीटर तक दूर है हम अभी। अभी 10 किलोमीटर का ड्राइव है हमारा, उसके बाद गाड़ी रख देंगे पार्किंग में, उसके बाद सीधा हमको सो ही जाना है। गाइस देखो तो यहाँ पे रास्ता बंद हो चुका है, मतलब के ऊपर से पहाड़ गिरा रास्ते पे, तो यहाँ रास्ता बंद हो चुका है। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये देखो यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है बर्फ वाला, ये देखो। और वो जा रहा है हेलीकॉप्टर, ये देखो सब नज़ारा देखो यहाँ। ये है हमारी गाड़ी खड़ी है, देखो सब कुछ यहाँ से पूरा व्यू। और यहाँ पे तूफान जैसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी तूफान आने वाला है ऐसा लग रहा है। देखो ऊपर बिजली भी बहुत कड़क रही है। देखो गाइस ये हमारा गाड़ी कुछ खराब वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सही गाड़ी, पर मिट्टी बहुत उड़ी है। देखो जो आप लोग को आवाज़ आई ना, थोड़ा बहुत हवा का आवाज़ है और बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे जो तूफान जैसा चल रहा है उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो गाइज मैं अभी जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ ये वाला, ये पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है बारिश के कारण से। तो ये रास्ता अभी हाल ही में अच्छा किया है JCB से, ये यात्रा शुरू हो रही है इसलिए ये रास्ता अच्छा किया। तो गाइज देखो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सीतापुर में, महादेव की कृपा से हम लोग पहुँच चुके हैं सीतापुर में। और गाइस सामने की साइड ही दिख रहा है सोनप्रयाग, ये देखो दिख रहा है सोनप्रयाग हमारा। और ये सीतापुर के अंदर भी होटल वगैरह बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया होटल वगैरह मिलेगा सीतापुर में। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग में, ये देखो यहाँ का आ गया है पार्किंग, इसी पार्किंग में हमें गाड़ी भी पार्क करना है हमारा। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में बाबा केदारनाथ की कृपा से। सुबह 6 बजे निकले थे और 3:30 बजे पहुंच चुके हैं हम लोग सोनप्रयाग में, सही सलामत पहुंचा दिया है बाबा केदारनाथ ने हमको सोनप्रयाग में। तो गाइस मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।